कैसा लगा आपको साउंड मुंबई की ट्रेन का? हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर स्टैंड अलोन। वेलकम बैक, एंड टुडे आई एम एट हियर एट मुंबई बेस्ट प्लेस नोन एज गोवंडी। इट्स आल्सो नोन एज बकरा मंडी। रिक्वेस्ट यू टू वॉच कंप्लीट वीडियो टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूँ गवंडी कैसे आते हैं। गवंडी आप कहीं भी रहते हो मुंबई में या मुंबई के बाहर, तो आपको आना है हार्बर लाइन में। हार्बर लाइन एक सर्विस लाइन है लोकल ट्रेन की, तो वहाँ पे आपको गवंडी रेलवे स्टेशन उतरना है। तो ये आप जैसे कि देख रहे हो वीडियो में, और ये मेन गेट है, तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी बकरा मंडी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये अब दोस्तों, दुनिया में इतने काम है करने के लिए, लेकिन देखिए इनको यही काम मिला अपनी वर्जिश दिखाने के लिए। तो कोई बात नहीं, ये इनका वक्त था, इन्होंने यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं हम, और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह बकरा मंडी दिखाई देता है, और अभी क्या क्या बकरे अवेलेबल है और क्या क्या प्राइस है। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे जो बकरे हैं, ये थोड़ा इतने छोटे नहीं है, बट फिर भी ये कुर्बानी के लायक के हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, मैं आपको ये डिटेल्स तो नहीं प्रोवाइड करूँगा कि कौन सी नस्ल की है, कौन सी मतलब जात से है, और क्या दांत है नहीं है। जो लेने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, वो जानते हैं, क्योंकि वो उनको इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन अवेलेबल है, और आपको किस तरीके से बकरे और कितनी साइज़ के हैं, तो ये बता सकता हूँ मैं आपको। तो वीडियो में आप देख रहे हो, ये सारे जो जानवर है बहुत ही खूबसूरत है, और इसी के साथ साथ ये देखिए मेंढे, तो ये भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन और फुर्तीले भी है काफ़ी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सीन लगता है, देखिए जब ये एक झुंड में चलते हैं, एक साइड जा। दोस्तों यहाँ जो है ना, सबके रेट अलग अलग है, ठीक है, और छोटे छोटे बकरे हैं ये फ़िलहाल, लेकिन अभी यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन बकरे काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर। और ये शोर गोल तो आप देख ही सकते हो कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा इनकी आवाज़ है। ठीक है, क्योंकि मैं आज आया हूँ इनके इलाके में, और ये जो बकरा है ये थोड़ा ज़्यादा प्यार कर रहा था मुझे, लेकिन फिर भी ये दीवार यानी कि जंजीरों के उस पार बंधा हुआ है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, कि आज जो है बकरा मंडी का दिन है सैटरडे, तो सैटरडे होने के कारण यहाँ पे जो है ये सारे बकरे बंधे हुए हैं, इनके गले में रस्सियाँ इसलिए हैं क्योंकि इनको अभी निशानी दी जाएगी, इन पे कलर लगाया जाएगा, ताकि ये जिसके बकरे हैं, जिसका ये चीज़ें हैं, वो उनके एरिया में ही रहे, मतलब उनके डिपार्टमेंट में जो वार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आप बकरे आप देख सकते हो, और ये मैं रिसेंटली वीडियो जो बनाया हूँ ये सैटरडे का है, जो अभी पास्ट हुआ है, ओके। तो मैं बाकी की और डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आने वाले हर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि जब भी आपका यहाँ आने का इरादा हो, तो आप तीन चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहला वक्त, वक्त आप इतना निकालें कि आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आए, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, क्योंकि एक जानवर आपको पसंद आया, थोड़ी दूर चलने पे दूसरा पसंद आया, फिर तीसरा, तो ऐसे में वक्त निकल ही जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंडी है, छोटा मंडी नहीं है, ठीक है। जो लोग आए हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा, जो नहीं आए हैं एक बार आके आप एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए, और अपने जानवर खुद अपनी आंखों के सामने देख के खरीदे, किसी के भरोसे पे ना जाए। दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों, आप अपना बजट एक तय कर ले, डिसाइड योर बजट, कि आपको कितने अमाउंट तक ख़रीदना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि 2-3 हज़ार ऊपर बढ़ रहा है और फिर 2-3 हज़ार या नीचे कम हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें दोस्तों, कि जब आप ये जानवर खरीदते हो, तो आपको एग्ज़िट के टाइम फिर काफ़ी सारी ऐसी बिल होती है जिसका आपको पे करना होता है, तो 200-250-300 ऐसा करते करते दोस्तों वो बजट के ऊपर चला जाता है, और फिर जब आप उस जानवर को अपने ये गवंडी मार्केट से अपने घर तक लेके जाते हो, तो उसका एक किराया अलग से होता है। वो बात और है कि अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो दोस्तों उसमें आपको पैसा कम लग जाएगा, लेकिन अगर आप ऑटो या फिर टैक्सी कुछ भी करते हैं, वैन वगैरह, तो उसमें थोड़ा पैसा आपका और ऊपर बढ़ जाता है। तो आप बजट के 1-4-5 हज़ार ऊपर ही रख के चले, तो जो लोग ऑलरेडी ख़रीदते हैं तो उनको पता ही है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये है दोस्तों, कि यहाँ पे जो है ख्याल रखें हर एक चीज़ का, क्योंकि ये जानवर है, हमारी वजह से किसी जानवर को या किसी जानदार चीज़ों को या इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस चीज़ का ख्याल रखें, अपना बजट तय कर कर आए
और थोड़ा वक्त ज़्यादा निकाल कर आएँ, ठीक है। और अभी मैं बकरे के बारे में बता दूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब जो है एक दूसरे वार्ड की तरफ मैं आगे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे भी बकरे अभी आए हैं, जस्ट अभी जस्ट इनका मतलब निशानदही हो रही है, तो अभी इनको थोड़े देर बाद सेल किया जाएगा। अभी तो जस्ट ये गाड़ी से उतरे हैं, तो आज सैटरडे मार्केट होने के कारण यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड और फिर थोड़ा ज़्यादा ये बिज़ी रहते हैं, तो आपसे उतना बात नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर आपको आना है तो आप 4-5 बजे के टाइम आ सकते हैं। 4-5 बजे के टाइम आने का दो फ़ायदा है, एक तो ये कि शाम का टाइम रहेगा और थोड़ा माहौल ठंडा रहेगा, दूसरा ये है कि ये लोग भी फ्री हो जाते हैं अपने काम वगैरह से, तो आपको फिर ये लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी गड़बड़ी और घाई में वो कुछ और जवाब दे देंगे और आप कुछ समझ लेंगे, तो इसमें सौदेबाजी में नुकसान हो सकता है। तो जल्दबाजी का सौदा मत कीजिए, आराम से सुकून से आइए। देखिए बकरे और जानवर काफ़ी खूबसूरत हैं, ये एक देखिए ये सेपरेट अलग रखा हुआ है, हो सकता है इसी को किसी ने सेपरेट बोला है कि भाई इसे साइड में रख दो नियाज वगैरह के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये देखो बहुत प्यारा बकरा है, माशाल्लाह एक नंबर बकरा है भाई, तो ऐसे काफ़ी है। देखिए ये एक दूसरा भी हमारी नज़र में पड़ा तो हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो में दिखा दें। तो ऐसे काफ़ी ऐसे जानवर है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इतने सारे जानवरों में आपकी पसंद क्या है और आपकी नज़र किस पर पड़ती है वो देखना ज़रूरी है। कैमरे में भले से ये थोड़े छोटे दिख रहे हैं लेकिन असल में अगर रियल में देखा है मैंने तो ये जो जानवर है दो वाइट कलर के, ये थोड़े तगड़े हैं, वज़नदार भी है और थोड़े फुर्तीले भी है, काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे ये लोग, और लेकिन अपनी तरफ से खेल रहे थे समझ लो, इनका भी एक अलग इंजॉयमेंट का तरीका होगा। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, फिलहाल हम आपको वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं दोस्तों कि किस तरह यहाँ पे जो है जानवर अवेलेबल है और जानवरों का आना जाना अभी शुरू है। जिस तरह जानवर आ रहे हैं उसी तरह जानवर खरीदे भी जा रहे हैं, सेल भी हो रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और इस मंडी का जो है गवंडी मंडी एक बार आप ज़रूर आइए, यहाँ के जानवर पे भी आप नज़र डालें, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ जानवर पसंद आ जाए तो आपको लेके आने जाने में इजी होगा। मुंबई की दोस्तों सबसे बड़ी मंडी है ये, बाकी इसके अलावा तो मैं और दूसरी जगह जा नहीं पाया, लेकिन फिर भी सोचा ये वीडियो आपके लिए बना दूँ तो और आपको पता चले कि अभी जानवर किस तरीके से है। तो ये देखिए ये भी है बहुत बड़ा तगड़ा एकदम मतलब तंदुरुस्त, ये जानवरों की जो है झुंड है, कुछ 12 जानवर है इसमें बंधे हुए। तो फिलहाल ये बंधे हुए इसलिए मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है कि अभी ये आए हैं वैन से उतरे हैं, तो फिर ये अभी बंधे हुए हैं, निशानदेही इनकी हो रही है। तो ये देखिए ये जो जानवर जो है ये भी बहुत मस्त है और वज़नदार है और फुर्तीला है। दोस्तों ये जो बकरा है ये जो है ये खो जा रहा है अपनी सिंग से सर, और मुझे लगा कि वो रस्सी निकाल रहा है तो मैं उसकी रस्सी निकाल दिया था, ठीक है। तो बकरे ने मेरे को बनाया बेवकूफ़, बकरा निकला होशियार। ये देखिए रस्सी जो है ये खो जा रहा है, शाबाश बेटा शाबाश, तूने तो मौज कर दी, बहुत प्यारे प्यारे बकरे दोस्तों, ये देखो बहुत प्यारे प्यारे बकरे हैं, खूबसूरत है, अच्छे हैं। अभी ये आ रहे हैं, आज मंडी का दिन है ना, आ रहे सब। दोस्तों जानवरों का तो आना जाना चलता ही रहेगा, तो अभी बहुत दिन बाकी है, मतलब कुछ 10 से 12 दिन कुछ ज़्यादा ही बाकी है। तो यहाँ पे अभी बहुत से अच्छे अच्छे जानवर भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग जब आएंगे तो फिर थोड़ा अच्छे से ज़रा देख लीजिए, क्योंकि एक जानवर पे आप नज़र डाल रहे हो तो बात करके रखिए, फिर आप ज़रा एक दो दुकान भी और घूम लीजिए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आपका जो बजट है और आपका जो टाइमिंग है वो सब भी बराबर चलेगा। लेकिन आप जो है अपना मैंने बताया कि टाइम निकाल कर आइए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी और आना चालू हो रहा है। तो कभी कभी ना दोस्तों ऐसा फील होता है कि हमने जो जानवर ख़रीद लिया है फिर उसके बाद में हमारी दूसरे पे नज़र जाती है, अरे इसको पूछना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा अमल है बकरी ईद का और बकरे का जो भी अमल है ये पूरा दारोमदार जो है ना दोस्तों ये पूरा नियत पर है,
ठीक है, इसका कोई भी चीज़ ऊपर वाले तक नहीं पहुँचता, सबको पता ही है। तो अपनी नीयत को साफ रखें और जितना है जो खरीद सकते हैं जितना है उसमें उतना खुश रहिए, और इस अमल को दोस्तों दिल की खुशी से करें, ठीक है, ना देखा देखी में करें ना किसी और चीज़ में करें, तो सारे जानवर एक जैसे ही है। तो ख्याल रखें, हर अमल को करने के लिए नीयत का पूरा एहतमाम करें और इखलास के साथ करें दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा और बेहतरीन अमल है। तो अल्लाह कबूल फरमाए इस अमल को और हमारे इस मेहनत को और हमारे पैसों को, हर एक चीज़ को कबूल फरमाए, और हम इसी तरह हर साल हर तरीके से ये खिदमत अंजाम देते रहे। तो ये देखिए, ये जो जानवर है ये भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 55,000 के। आप इन्होंने तो अपना रेट बता दिया, लेकिन आपको क्या रेट जमता है ये आप डिस्कस करिए उनसे, बार्गेनिंग करिए, क्योंकि उन्होंने अपने रेट बताए, तो अब आपको जमता है नहीं जमता है ये आप उनसे बात करिए और खुल के बात करिए। इतना कुछ ज़्यादा छुप छुपा के बात करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब लोग अपना सामान बेचने आए हैं और आपको सिर्फ ख़रीदना है। तो आपका जो बजट है उस हिसाब से आप वहाँ जाइए, बात करिए। पूछने में दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, चाहे वो कितना लाखों का करोड़ों का ही बकरा क्यों ना हो, आपको पूछना है, उनको देना है, जमेगा वो। अभी आप लोग जो सामने जो देख रहे हैं ना, उस तरफ जो है वो बकरों की मंडी है, मतलब बकरों का बाज़ार है, वहाँ पे बाज़ार लगता है, तो मैंने आपको दिखाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोवंडी मंडी का दोस्तों ये सफ़र मेरा यही ख़त्म होता है। तो ये मुंबई की एक प्लेस है गोवंडी, वहाँ पे बकरा मंडी स्टेशन के सामने ही है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।